बरेली के ब्राह्मण बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा और उसके पति अतिजेस की लव स्टोरी यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई है। मीडिया में लगातार बड़े टीवी चैनलों द्वारा इन मुद्दों को अलग ही मोड़ दे दिया गया है। गोदी मीडिया ने दलित युवक अतिजेस को फंसाने का पूरा खेल रच दिया है। मीडिया में अतिजेस पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वह ऊंची जाति के हैं, पर वह अपने बचाव के लिए दलित बन गए हैं। दूसरी ओर अतिजेस की कुछ तस्वीरें उसको फंसाने के लिए फेसबुक अकाउंट से वायरल कर दी गई है, जिसमें वो अपने लाइसेंसी हथियारों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। इस सारे मुद्दे को लगातार बढ़ता देख उत्तर प्रदेश की पुलिस अब एक्शन में आ गई है। आपको बता दें कि रविवार को पुलिस ने दिल्ली से साक्षी व उसके पति अतिजेस को अपनी सुरक्षा में ले लिया है। अब इस लव स्टोरी में पुलिस का रवैया क्या हो सकता है, इस पर बोलते हुए यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस आईपीसी की धारा 107/116 यानी शांति भंग के तहत कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने बताया कि साक्षी के विधायक पिता और उनका ग्रुप कोई हरकत न करे, इसलिए यह कार्रवाई बहुत जरूरी है। विक्रम सिंह ने बताया कि बीजेपी विधायक पप्पू भड़तौल और अतिजेस दोनों के पास कुछ लाइसेंसी हथियार मौजूद हैं। दोनों के नाम पर दर्ज लाइसेंसी हथियारों को थाने में जमा करा लेना चाहिए, जिसमें दोनों पक्षों में शांति बनी रहे, क्योंकि तनाव को देखते हुए दोनों पक्ष कोई खतरनाक कदम उठा सकते हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी कहते हैं कि पुलिस लड़का और लड़की पक्ष के लोगों को थाने में बुलाकर एक निजी मुचलके पर उनके हस्ताक्षर भी ले सकती है, ताकि दोनों पक्ष आपराधिक कदम न उठा सके। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए पूर्व डीजीपी ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस को खुद संज्ञान लेकर जांच पड़ताल करनी होगी। साक्षी अतिजेस को पुलिस सुरक्षा देने के सवाल पर पूर्व डीजीपी ने कहा कि जब हम मुख्तार अंसारी और साहबुद्दीन को सुरक्षा दे सकते हैं, तो इस नवविवाहित जोड़े को देने में कोई एतराज नहीं है। मीडिया में लगातार साक्षी और अतिजेस की कवरेज और उनके पीछे पड़े रहने के कारण अब उन पर और खतरा बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारियों ने भी यह बातें स्वीकारी हैं। लगातार कवरेज के कारण पुलिस के लिए भी अविवाहित जोड़ा सरदर्द बन गया है, और ऐसे में पुलिस को अतिजेस के ऊपर भी कार्रवाई करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। देश भर में बहुजन समाज से संबंधित अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। नेशनल दस्तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगभग सभी खबरों को आप तक पहुंचाना चाहता है। वीडियो की संख्या अधिक होने के कारण नेशनल दस्तक की टीम को एक ही यूट्यूब चैनल पर दिखाना संभव नहीं है। सभी मुद्दों को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने एक नया यूट्यूब चैनल नेशनल दस्तक 2 के नाम से शुरू किया है। वास्तव में यह चैनल नेशनल दस्तक की एक कड़ी है। उम्मीद है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें और बहुजन मीडिया को और भी मजबूत करेंगे। नए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।